नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ग्रो विद आलोक में। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट विंडलास बायोटेक का रिव्यू, हम लोग आईपीओ रिव्यू करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, जस्ट रीड द डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाय एंड सेल। सो इस चैनल में वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, कोई भी बायर सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। सो गाइस, अभी हम लोग पहले कंपनी प्रोफाइल, विंडलास का कंपनी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, जो कि अच्छा है एंड इट्स क्वाइट बिग ऑल्सो। सो द कंपनी इज वेरी बिग, वेरी गुड। सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2001। कंपनी के प्रमोटर कौन है? अशोक कुमार विंडलास, हितेश विंडलास, मनोज कुमार विंडलास एंड एकेबी डब्ल्यूबी फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट आर द कंपनी प्रमोटर्स। विंडलास बायोटेक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDMO बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CDMO सेगमेंट इंडिया। द कंपनी ऑफर्स अ रेंज ऑफ CDMO सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्कवरी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स जेनरिक। तो अब इसमें क्या है कि ये लोग बहुत सारा प्रोडक्ट डिस्कवरी करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं, लाइसेंसिंग भी बहुत लोगों को देते हैं एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स जेनरिक। तो जो भी जेनरिक बीमारियां भी होती हैं, दवा का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का इनका मेजर काम है। सो इट ऑल्सो सेल्स इट्स ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट इन ट्रेड जेनरिक एंड OTC मार्केट ओपन ओवर द काउंटर, में ये लोग वहां भी सेल करते हैं। करेंटली द फोकस ऑफ द कंपनी इज टू लॉन्च कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट इन द क्रोनिक थेरापियोटिक कैटेगरी रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। तो जो भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जैसे आदमी कैसे जिंदगी जीता है, हम लोग जैसे बैठ कर दिन भर ट्रेडिंग करते रहते हो तो हम लोगों का लाइफ स्टाइल खराब है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है, तो कैसे वैसे चीज़ों को ठीक करना है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियाँ हो रही हैं, अब जैसे पिज्जा बर्गर जो खाते हैं तो उनका अलग लाइफ स्टाइल है, तो वैसे डिसऑर्डर को कैसे ठीक करना है। द बिजनेस ऑपरेट इन 3 verticals, CDMO प्रोडक्ट एंड सर्विसेस, डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक एंड ओवर द काउंटर मार्केट एंड एक्सपोर्ट। तो 3 इनका वर्टिकल है, ठीक है। इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर लोकेटेड एट देहरादून विद एन इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 7,063.83 मिलियन टैबलेट्स या कैप्सूल, 54.46 मिलियन पाउच या शासे एंड 61.08 मिलियन लिक्विड बॉटल्स। तो इतना ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लोकेटेड इंस्टॉल्ड एट देहरादून से करते हैं ये लोग। विंडलास बायोटेक इज अमंग द टॉप 5 प्लेयर इन द डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉप 5 प्लेयर में इंडिया में आते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, हैविंग ओवर 2 acres ऑफ डेकेड्स, 20 साल का एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स डोसेज फॉर्म एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज कैपेबिलिटीज। इन फाइनेंशियल ईयर 20 इट्स मार्केट शेयर वॉज अप्रॉक्सिमेटली, कितना मार्केट शेयर था? 1.5% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन CDMO इंडस्ट्री। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इन CDMO मार्केट, द कंपनी ऑल्सो सेल्स ओन ब्रांडेड इन ट्रेड जेनरिक एंड ओवर द काउंटर मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट जेनरिक प्रोडक्ट इन सेवरल कंट्रीज। तो ये ओवर द काउंटर में भी सेल करती हैं अपना प्रोडक्ट भी। इट्स कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्राइमरी कन्वर्सेज फिक्स डोसेज कॉम्बिनेशन, फिक्स डोजेज प्लस मॉडिफाइड रिलीज कॉम्बिनेशन, कस्टमाइज जेनरिक एंड च्यूबल और डिस्पर्सेबल विच वॉज 68.48% इन फाइनेंशियल ईयर 21 ऑफ टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। द कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट मार्केट हैज हाई बैरियर टू एंट्री एज दिस प्रोडक्ट आर जनरली डिफिकल्ट टू डेवलप एंड रिक्वायर स्पेशल नो हाउ फ्रॉम डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग परस्पेक्टिव कंपेयर टू कन्वेंशनल जेनरिक प्रोडक्ट। तो ये इनका जो ये काम करते हैं उसमें एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल कॉम्पिटिशन इनको कोई दे नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पर हाई बैरियर है, यहाँ पर हर कोई ये बिजनेस को कॉपी नहीं कर सकता या स्टार्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हाई बैरियर है और इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनका बिजनेस है एंड यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट टू डेवलप रिक्वायर स्पेशल, बहुत लोगों की इनकी जानकारी भी नहीं है, तो यहाँ पर हाई बैरियर है और इनको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है, तो नॉर्मल लोग इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका कस्टमर्स जो है, दे हैव अ वेरी गुड मार्क्यू कस्टमर्स जैसे फाइजर, सनोफी इंडिया, कैडिला हेल्थ केयर
एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, एरिस लाइफ साइंस, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इतने अच्छे अच्छे इनके पास कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर बेस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो गाइज, नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड्स। तो लीडिंग मार्केट प्लेयर्स इन डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन CDMO सेगमेंट लीडिंग मार्केट प्लेयर है। स्ट्रॉन्ग फोकस इन क्रोनिक थेरेप्यूटिक्स कैटेगरी। इनका स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन देहरादून में है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस प्रमोटर इन सीनियर मैनेजमेंट टीम। इट्स अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स इन डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन CDMOs इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विद फोकस इन क्रोनिक थेरेप्यूटिक कैटेगरी। इट हैज एन इनोवेटिव पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स जनरेट प्रोडक्ट सपोर्टेड बाई रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। इट हैज एन एफिशियंट एंड क्वालिटी कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर। It has developed relationship with leading Indian pharmaceutical companies including Pfizer, Sanofi. We have discussed already this part. It has a consistent track record of financial performance. So, इनका financial performance बहुत अच्छा है. This company has got a marquee customer list. We have already discussed. इनका जो entry barrier, nobody can copy that. Nobody नहीं, मतलब most of the company they can't copy it. Leading market player है ये in pharmaceutical में है. और इनके जो 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 प्रमोटर टीम जो है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देहरादून में, दैट इज आल्सो वेरी गुड। सो दिस आर दिस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रैटेजीज, इट एक्सटेंड्स टू कैपिटलाइज ऑन एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी बाय लेवरेजिंग लीडरशिप पोजिशन इन CDMO इंडस्ट्री। तो एक्सपेंशन में ही ध्यान दे रही है, जो इनका अभी जो स्ट्रैटेजी है CDMO सेक्टर में, CDMO पार्ट में। इट इंटेंड्स टू कंटिन्यू टू ग्रो CDMO कस्टमर बेस। तो ये फोकस मेजर कर रही है CDMO में। इट इंटेंड्स टू एक्सपैंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड डिलीवरी सिस्टम बाई एनहेंसिंग R&D एंड मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी करना चाह रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना चाह रही है एंड डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रही है, एनहांस करना चाह रही है। सो द कंपनी इज मेजर फोकसिंग ऑन R&D, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड CDMO, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाह रही है। इट इंटेंड टू फोकस ऑन डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक एंड OTC ब्रांड SBV एंड हायर ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट बाई कैपिटलाइजिंग ऑन इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी। इट इंटेंड्स टू फोरे इनटू हायर ग्रोथ इंजेक्टेबल सेगमेंट्स। सो दिस आर द स्ट्रैटेजीज जो कंपनी बता रही है कि हाँ, व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन और कैसे कंपनी और बड़ा हो सकता है। नाउ गोइंग बाय द कंपनी फाइनेंशियल्स, विल सी दैट कंपनी का फाइनेंशियल जो है, दिस इज इन मिलियन, ओके गाइस, और यहाँ पर करोड़ में है। सो मिलियन में अगर डिस्कस करते हैं, तो ये दिस इज 2019 का है, दिस इज 2020 एंड दिस इज 2021। सो विल सी दैट 2019 में 2981 मिलियन था, देन इट इम्प्रूव्ड टू 3384 मिलियन, देन अगेन इट डिक्रीज। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है एसेट्स में, मे बी बिकॉज ऑफ कोरोना इम्पैक्ट। देन आफ्टर रेवेन्यू जो है ये अच्छा बढ़ा है, फ्रॉम 3115 मिलियन टू 3313 मिलियन टू 4306 मिलियन। तो रेवेन्यू इनका सेल्स बहुत ही अच्छा बढ़ा है। एसेट तो थोड़ा सा घटा है, बट रेवेन्यू जो रहता है, दैट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड इफ यू सी द प्रॉफिट पार्ट, द प्रॉफिट जो है, दिस हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 638 मिलियन टू 162 मिलियन टू 155.70 मिलियन, विच इज नॉट गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज किया है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द IPO पार्ट। IPO इट्स ओपनिंग ऑन 4th अगस्त, दैट इज टुमारो, क्लोज हो रहा है ऑन अगस्त 6, 2021। अलॉटमेंट कब हो जाएगा? अगस्त 11th को। इनिशियल रिफंड, मतलब जिनको IPO नहीं मिलेगा, लॉट नहीं मिलेगा, उनको अगस्त 12 से इनिशिएट हो जाएगा स्टार्ट फंडिंग, उनको मिला स्टार्ट हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट में आ जाएगा अगस्त 13th को। इट वॉज शोन डीमैट अकाउंट। IPO लिस्टिंग जो है अगस्त 17 को है। सो मिनिमम लॉट विच वी कैन अप्लाई इज 1 लॉट, जिसमें 30 शेयर्स रहेंगे एंड 13,800 पैसा लगेगा कट ऑफ प्राइस में। मैक्सिमम 14 लॉट ले सकते हैं, 14 लॉट्स शेयर्स जिसमें आएंगे 420 एंड 1,93,200 रुपीज लगेगा। आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन द ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ प्राइस। प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर का 78%, जो पोस्ट इशू में घट करके 65.16 हो जाएगा। सो विंडलास बायटेक IPO, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट, कि IPO ओपनिंग कब हो रहा है, 4th अगस्त को, IPO क्लोजिंग अगस्त 6 को है। बुक बिल्ट इशू टाइप का IPO है ये, और फेस वैल्यू इसका 5 का है।
आईपीओ प्राइस बैंड जो है 448 से 460 पर इक्विटी शेयर्स है, 30 शेयर्स का लॉट है, 30 मिनिमम ऑर्डर 30 है, बीएससी एनएससी दोनों में ये लिस्ट हो रहा है। इश्यू साइज जो है 401.54 करोड़ का है, फ्रेश इशू 165 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 236.54 करोड़ का है। एंड दिस इज द कंपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, विंडलैक्स बायोटेक लिमिटेड जो कि देहरादून में है। सो गाइस जीएमपी दैट इज ग्रे मार्केट प्राइस इज क्वाइट गुड, इज क्वाइट गुड फॉर दिस कंपनी। एज पर मार्केट ऑब्जर्वर्स विंडलास बायोटेक ग्रे मार्केट प्रीमियम इज स्ट्रॉन्ग एट ओवर 140, वेयर एज दिव्यानी इंटरनेशनल शेयर्स आर अवेलेबल एट प्रीमियम जीएमपी ऑफ 62, कृष्णा डायग्नोस्टिक एंड एक्सारोटाइल्स आर एट प्रीमियम 440 एंड 15 रेस्पेक्टिवली इन द ग्रे मार्केट। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द आईपीओ रिव्यू ऑफ विंडलास बायोटेक। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपने ज़ेरोधा में अकाउंट या फिर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है देन प्लीज यूज द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन ओपन इन ज़ेरोधा एंड अपस्टॉक्स बोथ। एंड इन फ्यूचर अगर आप मेरे थ्रू लिंक के थ्रू ओपन करवाते हैं देन यू विल बी गेटिंग अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट इन फ्यूचर। सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ग्रो विथ आलोक। थैंक यू।